कहाँ पे? ज्यादा ही होगी। हाँ वही बोटे, इसके लिए मैंने बहुत तो कितनी प्रॉब्लम आई आपके जीवन में वाइट की वजह से? मतलब ऐसी तो सब प्रॉब्लम है ना, वजन काम कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। क्या लाइफ में मुसीबत तो बहुत आई, पर वो सामना करने में हम पीछे हट गए। मतलब जरा जरा बात में लोग हंसा करते हैंगे सब बातों में, हमारे को देख देख के नहीं बोल रहेंगी, तो उसके वजह से लोग देखते हैंगे तो इनको जरा खराब लगता हैंगा। हाइट के वजह से भी टेंशन हो गया, कोई बोलते है कोई बाता बनाता है, कोई क्या मतलब कोई हमारी बात पे कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। हाँ, जो हम बोलते हैं बस, वो कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, ज्यादा कोई भी नहीं लेता हमारी बात पे। हाँ, हम लोग ऊपर वाले पे करते बस, हम जो भी वाला तो गुजारा कर लेंगे, ऊपर वाले का गुजारा है बस हमारे पे। आपको शादी के हुए कितना टाइम हुआ? आज शादी को मेरे को 7वां साल चालू हो गया। 7 साल हो गया। हाँ कुछ भी कर लेता हूँ, कभी किसी ने मेरे को माल दे देता, कोई एयरफोन भी बेच लेता हूँ घूमते फिरते, कभी सूरत स्टेशन क्या है किसी से माल लेता हूँ तो शाम को मैं हिसाब भी दे देता हूँ, जितना नंग लिया उतना नंग भी लेता हूँ ना, वो नंग का हिसाब पैसा देता हूँ, जो मेरा गुजारा है वो काट लेता हूँ। बहुत से लोगों ने इनके हाइट देख के काम देते नहीं हैंगे, बहुत लोग ना बोल देते हैंगे कोई भी काम में, ना कोई नौकरी पे भी नहीं रखते, नहीं रखते कोई भी, हाइट ऐसी तो ना बोल देते हैंगे। चलिए कोई बात नहीं, शायद आपको भगवान ने जैसी भी मतलब आपकी रॉन्ग रूप से बनाया है, मतलब उसने कोई कर कसर नहीं छोड़ी है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट आपके अंदर हौसला बहुत ज़्यादा है। आपकी हौसलों को सलाम है कि आज पूरे हिंदुस्तान से जो भी लोग आपको देख रहे हैं और शायद आपसे कुछ प्रेरणा ले रहे हैं कि आप हिम्मत नहीं हार रहे हो और अपना जो भी कुछ परिवार है आप चला रहे हो। लोगों को ये कहेंगे कि छोटी हाइट वालों को देख के हंसना नहीं, कोई को भी मजबूरी में साथ देने, मजबूरी में ये नहीं करने मांगता, ज़्यादा परेशान नहीं करने मांगता, ये बोलना चाहती हूँ कि छोटी हाइट देख के लोग हंसते हैंगे, चलते टाइम पे लोग बनाते हैंगे बात, उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम नहीं करने मांगता। अल्लाह ने बनाया वो सब कुछ, अभी अभी हमने तो नहीं बनाए ना, तुमने नहीं बनाए, हमने नहीं बनाए, तो लोगों को ये बोलना चाहेंगे हम के लोगों को देख के हंसना नहीं। हिंदुस्तान से मेरे जितने भी लोग देख रहे हैं दोस्तों, कभी भी ऐसे कम हाइट वाले जो लोग होते हैं हमारे आसपास भी ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं अपने पेट गुजारा करने के लिए, कहीं ना कहीं वो काम करते हैं, बट आज इमरान भाई को देख के हमें ऐसा लगे, उम्मीद और इमरान भाई के हौसलों को देख के यही तो हम बता सकते हैं कि व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ सकते हैं कोई भी उम्र में, और उसका एक छोटा सा परिवार है और आगे बढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है और अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। तो बस ये आज आपके साथ और सपोर्ट की वजह से कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इमरान भाई आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए।
आपके लिए कुछ मतलब जो आपको एक छोटी सी केबिन की अभी जरूरत है, केबिन की जरूरत है तो हम बिल्कुल हम आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, तो थोड़ा हमें समय दीजिए ठीक है। तो आज या आज के आज या फिर कल तक हम आपको कंप्लीट कर देंगे। आपका बहुत आभार रहेगा मेरे लिए, मैं बहुत कोशिश किया पर मेरा हुआ ही नहीं है कोई काम, मेरा हमारा काम कोई इंटरेस्ट दिमाग पे लेता ही नहीं है कोई भी। हम बस यही कहेंगे कि जो भी लोग आपकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, आपसे लोग हंसते हैं आपको देख के, तो बस दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी इंसान है, हमें भगवान ने ईश्वर अल्लाह ने जो भी रंग रूप से बनाया है, शायद उसने कोई कर कसर नहीं छोड़ी है, हम तो एक इंसान है तो शायद हम उसको भी ऐसी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। बट यही कहना चाहेंगे, आप भी अपने आसपास लोगों को जब देखते हो तो आगे बढ़िए और एक दूसरे लोगों की मदद कीजिए। तो चलिए आज इमरान भाई के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इमरान भाई फाइनली आपकी दुकान आ चुके और कल तक आपकी सामान के साथ में कंप्लीट। बहुत आपका बहुत आभार। अरे आभार ईश्वर का आज हमें आपसे मिलाने का एक प्रयत्न किया हमें। इतनी ये दूंगा कि आपको कैसे ना दरवाजे खुले वो दरवाजे भी खुल जाएंगे। अरे कोई बात नहीं। और अभी मैं सोने का मेरे को टाइम नहीं, फिर उसके बाद 12-1 बजे बाद और कुछ, क्योंकि 100-150-200 में मेरा 3000 भाड़ा है, घर का खर्चा, लाइट बिल, लेट सब भरे, कैसे चलेगा मेरा 200-300। बट आप आपका खुद का बिजनेस हो। हाँ बस मेरा खुद ना, जब बहुत बहुत आभार मेरा। अरे थैंक यू सो मच। मैं कल तक आपको मैं कंप्लीट कर देता हूँ ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, इमरान भाई का अभी दुकान तो कंप्लीट हो गया और अभी शाम के 5 बज चुके, सामान के साथ कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल है आज, बट हम कल तक पूरा प्रयत्न करते हैं उसको कंप्लीट करने का। और तब तक इमरान भाई की भी हमारे साथ है ठीक है। इमरान भाई मैं रजा लेता हूँ ठीक है। अब तब तक आप कितने बजे मिलोगे? कल मैं 10 बजे आता हूँ सुबह ठीक है। चलिए नहीं पड़ेगा काका। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, हमने आपको कल बताया था कि इमरान भाई का जो काम अधूरा है वो अभी सुबह सुबह कंप्लीट करना है और उसके बाद थोड़ा ऑफिस का भी काम है, तो चलिए कंप्लीटली देखिए। और अभी हम जा रहे हैं दुकान का सामान लेने के लिए और वहाँ पे जाके उसका सामान लेंगे, फिर दुकान जहाँ पे हमने दिए यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर है, तो हम यही कोशिश करेंगे फटाफट कंप्लीट करके दूसरी जगह पे भी हमें जाना है और थोड़ा दूसरा भी काम है। तो पूरा देखिए एपिसोड और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों फाइनली अभी सुबह सुबह इमरान भाई की दुकान आ चुके हैं और हमारे साथ इमरान बन भी है, तो क्या कहोगे इमरान भाई? बस बस बहुत शुक्रिया, सब खुश रहे तुम्हारे, हमारी दुआ से क्या हमारी भी दुआ तुमको लगे, तुम्हारा काम आसान चलता रहे हमारे। बस बस आप बस। थोड़ा हमें टाइम दीजिए ठीक है, आपका सामान भी साथ लेके आए तो हम कम्प्लीट कर देते हैं ठीक है। तो चलिए आप तैयारी करो शुभ मुहूर्त की, तब तक हम कम्प्लीट कर देते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, इमरान भाई को मेहनत करने आगे बढ़ना है तो एक छोटी सी मदद उसका आने वाले जीवन को बदल सकती है, तो पूरा एपिसोड देखिए। से तो दोस्तों फाइनली हमें हमारे इमरान भाई का केबिन के लिए आज जिसने हमें सपोर्ट किया है उसका नाम है गोमत बेन मोतीराम भाई बाबिन और उसके पूरे परिवार की तरफ से, वैसे तो बारडोली के रहवासी है और आज उसके परिवार की तरफ से एक छोटी सी भेंट इमरान भाई को दी जा रही है और थैंक यू सो मच। फाइनली दोस्तों दुकान का मुहूर्त हो चुका है और आज जो भी कुछ करने की कोशिश की हमारी पूरी टीम की सपोर्ट की वजह से और आप सभी लोगों के प्यार की वजह से, तो आज खास करके आपको जिसने आज सपोर्ट दिया है बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करने चाहेंगे कि उनका बहुत आभार है।
उनका एहसान हमेशा हमारे लिए रहेगा। आप लोगों से भी दरख्वास्त करेंगे कि आप लोग भी हमेशा आगे बढ़ते रहें और हम लोग के भी लिए तवज्जा दें। बहुत अच्छी बात है। और आपने मुझे आगे बताया था कल कि आपको आपकी हाइट की वजह से लोग आपको मतलब कुछ ना करने के लिए आपको ना समझ समझते थे। बट आपको कभी डरने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है? आप अपने हौसलों को ऐसे कायम रखना, दुनिया चाहे जो भी बोले, बस आपके अंदर हिम्मत है और आप हस्बैंड वाइफ बहुत ही आगे जाओ। बस हम भगवान से प्रार्थना करें, दुआ लगे कि हम ऐसे हम मेहनत करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी सोच भी बहुत कुछ है, पर हम बहुत धीरे धीरे यानी सब जल्दी नहीं आता है, बहुत थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, ना आगे बढ़ गया आपका खुद का बिजनेस, तो बिजनेस हो गया। आप बहुत बहुत आपका मैं आभार चाहूँगा, जिसने मेरे लिए हेल्प करी उनके लिए भी बहुत आभार। उनको जिससे जल्दी जैसा करा उनका और रास्ता खुलता रहे और सबके लिए ऐसी हेल्प करते रहे। ना ना बिल्कुल बिल्कुल। और आपको लोग जैसे आप ये हाइट के हिसाब से लोग आपको ऐसे समझते कि आपके पास कुछ करने की क्षमता नहीं है, बट आपको कभी कम मत समझना, ठीक है भाभी? आपने हौसला दे दिया, अभी आगे बढ़ते रहेंगे। बस बस, और इसको बहुत आगे ले जाओ और भगवान अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, ठीक है? तो चलिए, आप खुश हो ना? आप खुश है, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत आभार हमारे लिए, बस हमारे लिए बस ध्यान दिए, हमारे ऊपर बहुत ध्यान देते रहिए, बस बस बस। थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, आज एक छोटी सी उम्मीद किसी परिवार के लिए, आज बहुत ही आगे जाने का एक छोटा सा रास्ता आज पूरे परिवार की तरफ से आज छोटी सी हेल्प की जा रही है। तो थैंक यू सो मच, ऐसे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। हमारा जो सोशल मीडिया आश्रम है, ऐसे होमलेस पर्सन के लिए भी हम भी भावनगर रोड पे जो बना रहे हैं, बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और आप भी अपने दुकान को, अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जाइए। थैंक यू, ठीक है? चलो मैं रजा लेता हूँ, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलिए चलिए।